हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। मेरा आज का जो वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आप लोग की रिक्रूटमेंट आई हुई है नाविक GDDB यांत्रिक 2022 बैच के लिए, पूरी जानकारी मैं आप लोग अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। ये वेबसाइट है, यहीं से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। और इसके अलावा आप लोग का जो है ये है नोटिफिकेशन। जी हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड आप लोग की जो है नाविक GDDB यांत्रिक 2022 की आप लोग की जो है यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुका है। ऑनलाइन आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 के बीच में होने वाला है। तो ऑनलाइन अप्लाई की जानकारी भी मैं आप लोग को दे दूंगा जैसे ही इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग रिक्रूटमेंट की जानकारी ले लीजिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन आप लोग की जो इंडियन मेल कैंडिडेट, जी हाँ, मेल कैंडिडेट और इंडियन सिटीजन ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नागरिक ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं नाविक GDDB यांत्रिक के लिए। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नाविक GD के लिए आप लोग 10+2 पास हैं फिजिक्स और मैथ के साथ, तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाविक DB के लिए आप लोग 10th पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यांत्रिक के लिए यदि आप लोग 10th पास हैं और आप लोगों ने कर रखा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रेडियो एंड पावर, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 4 साल का होना चाहिए, तो 10th+ डिप्लोमा है आप लोग का तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने 10th या 12th कर रखा है, साथ में आप लोग के पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2 से 3 साल का, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। तो यदि आप लोग ओनली और ओनली 10th पास हैं तो आप लोग डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोग की निकली हुई है। यांत्रिक के लिए जो आप लोग के यहाँ पे जो ट्रेड दी हुई है, मीन्स आप लोग के जो यहाँ पे इक्वलेंट आप लोग को बताया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो इसमें इक्वलेंट आप लोगों ने कुछ कर रखा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक 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 इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यदि आप लोगों ने इन ट्रेडों में इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप लोग का इक्वलेंट है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की आप लोग जो जो इक्वलेंट ट्रेड है वो आप लोग को दी गई है। यदि आप लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल में, इसके अलावा रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह में कर रखा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग भी आप लोग यहाँ पे दिया गया है इक्वलेंट, यदि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रखी तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फाइबर ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख लेंगे इक्वलेंट आप लोग की कौन कौन सी आप लोगों ने किसमें किया हुआ है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। नोटिफिकेशन का लिंक आप लोगों को दे दूंगा। 18 से 22 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। नाविक GD एंड यांत्रिक के लिए आप लोग की एज जो है 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच में होनी चाहिए, दोनों ही डेट यहाँ पे काउंट की जाएगी। नाविक DB के लिए 1 अक्टूबर 2000 से आप लोग की जो 30 सितंबर 2004 के बीच में आप लोग की यहाँ पे डेट होनी चाहिए, यानी कि आप लोग का बर्थ होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की OBC को 3 साल का और SST को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, तो एज को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा वैकेंसी की जानकारी दी जाए तो GD के लिए आप लोग की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 260 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसी प्रकार से नाविक DB के लिए आप लोग की जो है 35 वैकेंसी है, जिसमें कि आप लोग 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यांत्रिक मैकेनिकल की 13 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 9 है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे जो है 5 वैकेंसी निकल के आ रही है। वैकेंसियाँ टेंटेटिव है यानी कि घट बढ़ सकती हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप लोग की जो है इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन पावर है, इसे आप लोग जो है यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में। और इसके अलावा यदि आप लोग की वैकेंसी नहीं है SC ST OBC की तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है एज का, लेकिन SC ST को जो है फीस में छूट यहाँ पे मिलेगी जैसे कि मिलता है, ध्यान रखिएगा। सेलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग का Stage 1, Stage 2, Stage 3 और Stage 4 आप लोग का होने वाला है, जिसकी जानकारी आप लोग को नीचे दी गई है, ठीक है। इसमें आप लोग की पूरी डिटेल दी गई है, फोटोग्राफ वगैरह जो भी आप लोग का एग्जाम वगैरह होगा फोटोग्राफ वगैरह देखा जाएगा, बायोमेट्रिक कराई जाएगी, सिग्नेचर वगैरह, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह आप लोग का देखा जाए, ठीक है। जो भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई के समय अप्लाई करेंगे इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्म आप लोग ध्यान से भरिएगा। यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की आप लोग को दिक्कत ना हो, फॉर्म अप्लाई से लेकर के और रिक्रूटमेंट की जानकारी भी आप लोग को मिलती रहे। इसके अलावा सबसे पहले Stage 1, जी हाँ, सभी का यहाँ पे Stage 1 सबसे पहले होगा, रिटर्न एग्जाम सबसे पहले होने वाला। नाविक DB की पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ओनली और ओनली आप लोग का Section 1 होने वाला है रिटर्न एग्जाम में। इसमें आप लोग के जनरल EWS OBC से हैं तो 30 नंबर और SC ST से हैं तो 27 नंबर आप लोग को पासिंग मार्क्स चाहिए इसके, ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोग नाविक GD के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग का Section 1 यानी कि Section 1 होगा। इसके अलावा Section 2 भी आप लोग का एक होने वाला रिटर्न एग्जाम में।
इसमें आप लोगों को जनरल ओबीसी एससी एसटी के आप लोगों को पासिंग मार्क्स दिया गया है, ठीक है। पेपर वन और पेपर टू दोनों में आप लोगों को सेपरेटली आप लोगों को अलग अलग पास होना पड़ेगा। इसी प्रकार से यांत्रिक के लिए, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन वन और सेक्शन थ्री, यानी कि सेक्शन वन सभी को, सभी में सभी ट्रेडों को करना है, ठीक है। सेक्शन वन सभी के लिए है। नाविक जीडी में सेक्शन टू भी ऐड कर दिया है, नाविक यांत्रिकी में वन एंड थ्री, इसी प्रकार से नाविक इलेक्ट्रॉनिक्स में वन एंड फोर और नाविक यांत्रिक मैकेनिकल में वन एंड फिफ्थ आप लोग का यहाँ पे होने वाले, दो दो सेक्शन यहाँ पे आप लोग होने वाले। आप लोग देख लेंगे पासिंग मार्क्स दिए गए और सभी में आप लोग को अलग अलग पास होना जरूरी है, ठीक है। सेक्शन वन सभी को देना है, लेकिन नाविक जी जो डीबी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ओनली सेक्शन वन देना है। तो सेक्शन वन आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग की जो है मैक्सिमम 40 नंबर 60 नंबर और 45 मिनट का आप लोग को टाइम दिया जाएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आप लोग का एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग का पेपर होगा, यानी कि आप लोग को जो एक क्वेश्चन के आप लोग के चार आंसर्स दिए होंगे उसमें से एक आप लोग का सही होने वाला है। मैथ के 20, साइंस के 10, इंग्लिश 10, रीजनिंग 10, जीके के 5 क्वेश्चन होने वाले, पासिंग मार्क्स दिए हुए और क्लास 10th लेवल का आप लोग का यहाँ पे जो है पेपर रहने वाला है। तो ये आप लोग का डीबी, नाविक डीबी वालों के लिए है, लेकिन जीडी और यांत्रिक वालों को भी सेक्शन वन देना है। इसके अलावा सेक्शन 2, 3, 4, 5 नाविक यांत्रिक और जीडी वालों को अलग से देना है, ठीक है, जो कि डिटेल मैंने आप लोगों को ऊपर दे दिए। सेक्शन 2 आप लोग देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, मैक्सिमम 50 नंबर, आधे घंटे का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ 25 फिजिक्स होगी, ठीक है। पासिंग मार्क्स दिया है, 12th लेवल का आप लोग का पेपर होने वाला है। इसके अलावा आप लोग जो है सेक्शन 3rd आप लोग का दिया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे आने वाले, ठीक है। ये सब आप लोग देख लेंगे, ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख लेंगे इसे। तो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग का होने वाला है, कोई निगेटिव मार्किंग आप लोग का नहीं होने वाला है। यदि आप लोग के नंबर सेम होते हैं तो उसका आप लोग का पूरा प्रोसेस दिया गया, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। इसके बाद स्टेज 2, यदि आप लोग स्टेज 1 क्लियर कर जाते हैं, यानी कि रिटन एग्जाम आप लोग क्लियर कर जाते हैं, तो आप लोग का होगा स्टेज 2। स्टेज 2 में आप लोग का होने वाला है मीन्स यहाँ पे आप लोग को रिक्वायर्ड अपलोड, यहाँ पे आप लोग को एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। यदि आप लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करने पड़ेंगे। यदि आप लोग अपलोड नहीं करेंगे तो आप लोग स्टेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। 1 से 2 दिन आप लोग का स्टेज 2 चलने वाला है। स्टेज 2 के अंदर आप लोग का होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। इसमें पीएफटी होगा, 1600 मीटर की रनिंग होगी, 7 मिनट का टाइम मिलेगा, 20 स्क्वाड्स अप यानी कि उठक बैठक होंगे और 10 पुशअप आप लोग को लगवाए जाएंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप लोग का होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग को पूरी डिटेल दी गई, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट आप लोग के होने वाले हैं, सभी हाई स्कूल इंटर वगैरह जो जिस बेस पे आप लोगों ने अप्लाई किया है, कास्ट वगैरह सभी आप लोग को लेके जाने पड़ेंगे, और जो है लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी है वो 31 अक्टूबर 2022 तक होनी ही चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग का यहाँ पे मेडिकल भी होने वाला है। पीएफटी के साथ साथ आप लोग का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आप लोग का इनिशियल मेडिकल भी आप लोग का लिया जाएगा। यदि मेडिकल में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग को 21 दिन का टाइम मिलेगा। यदि आप लोग परमानेंट अनफिट है और यदि आप लोग टेम्प्रेरी अनफिट है तो 42 दिन का आप लोग को टाइम मिलेगा रीअप्लाई करने के लिए, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग को स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 3 में आप लोग का जो होने वाला है, यहाँ पे आप लोग देंगे, स्टेज 3 में भी आप लोग का 1 से 2 दिन लगने वाला है। इसमें भी आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाएंगे, ठीक है। जो जो आप लोग अप्लाई करते समय भरेंगे, 31 अक्टूबर 2022 तक आप लोग के डॉक्यूमेंट वैलिड होने ही चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आप लोग का जो है यहाँ पे होने वाला है मेडिकल, जी हाँ, फाइनल मेडिकल होगा जो कि आप लोग का INS चिल्का में होने वाला है। यदि आप लोग किसी प्रकार से अनफिट किए जाते हैं तो 12 दिन का आप लोग को टाइम यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। INS चिल्का में आप लोग का फाइनल मेडिकल होने वाला है। स्टेज 3 है आप लोग का। इसके अलावा आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करने पड़ेंगे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। स्टेज 3 के बाद जो आप लोग का फाइनल होने वाला है ये आप लोग का स्टेज 4। स्टेज 4 में आप लोग का जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आप लोग को जो वैकेंसी वगैरह होगी उसके लिए आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग होगी आप लोग की INS चिल्का में, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दिया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसके बाद स्टेज 4 आप लोगों को जो ट्रेनिंग, इसके बाद आप लोगों को जो हाउ टू अप्लाई आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई वाले वीडियो में पूरी जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है। इसमें लास्ट डेट आप लोग की जो 14 जनवरी 2022 रहने वाली है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों से कोई वीडियो छूटे ना, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल क्लियर यहाँ पे कर दूँ, एक ही पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप लोग जीडी के लिए अप्लाई कीजिए, डीबी के लिए अप्लाई कीजिए, या फिर यांत्रिक के लिए अप्लाई कीजिए। अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, किसी एक ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ आप लोग को अपलोड करना है, पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं इसकी भी जानकारी आप लोग को दी, इसे रीड कीजिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी प्रोवाइड करूँगा।
तो ये मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जीडी यांत्रिक 2022 की जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट आई है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान से पहले ये कहूंगा यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग लगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।